देखो, हर एक संभ्रांत और राजनीतिक व्यक्ति को कानून का संविधान के दायरे में रहकर पालन करना चाहिए। जब कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव आयोग का लागू हो गया, आचार संहिता लग गई, तो कोशिश करना चाहिए आचार संहिता का पालन करना, उसको तोड़ना। इसका मतलब आप कानून तोड़ रहे हो तो इसका मतलब आप ठीक काम नहीं होगा। अब शासन प्रशासन देश का कानून जिसके साथ जो काम करे उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। सर, एक सवाल ये है, अखिलेश यादव ने बोला है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों को MSP दी जाएगी फसलों पर, और इसके साथ साथ उसका भुगतान 15 दिन के अंदर हो जाएगा, बिजली मुफ्त और तमाम वादे किए। जब 30 साल से उनकी सरकार थी 5 बार, तब किसान नहीं याद आए? तब मिल बेच रहे थे, जब गन्ना मूल्य मांगने जाते डंडे बज रहे थे, गोली चल रही थी, हमारे यहाँ 15 किसान मरे थे, अभी पार्क लगा हुआ है। तो तब नहीं किसान याद आ रहे थे, आज किसान याद आ रहे हैं। आज के जब मोदी जब सबके खाते में पैसा देना शुरू कर दिया, किसान को जोड़ दिया। राजीव गांधी कहते थे कि जब मैं 100 रुपया देता हूं तो 1 रुपया पहुँचता 99 बीच में खा जाते। कौन खा रहे थे? 30 साल तक सपा बसपा के सहयोग से तो केंद्र की कांग्रेस की सरकार चल रही थी ना, तो 99 किसानों का रुपया कौन खाता था? गरीबों का रुपया कौन खा जाता था? अब मोदी जी सीधे खाते में पैसा भेज रहे हैं, बिना भेदभाव के सबको सब दे रहे हैं, तो दिक्कत हो रही है। ऐसा बहकावे में अब जनता नहीं आने वाली है। फ्री का क्यों देंगे भैया? क्यों गरीबी नहीं खत्म की? 30 साल से थे, क्यों नहीं रोजगार बढ़ाया? क्यों नहीं लोगों को साधन संसाधन दिया? जब इनकी सरकार, हम लोगों ने साइकिल बटन दबाया, काली यादव नजर आए, उनके लोग नौकरी करें। आप सब लोग समझ लिया, उत्तर प्रदेश की जनता भी साइकिल बटन दबाओगे उनके लोग हाकिम बनेंगे, सारे लोग हरवा बनेंगे। वो अब समझ गए, इसलिए इनका बटन। मोदी जी के साथ रहोगे, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास होगा, बिना भेदभाव का सब कुछ काम होगा, योजना भी मिलेगी, नौकरियों में लाभ भी मिलेगा, जितना हो सकता देश को राष्ट्रवाद भी मिलेगा। सर, सीएम योगी के चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव ने ये बोला है कि चाहे वो अयोध्या से लड़े या फिर गोरखपुर से लड़े, उनका अधिकार है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि लोगों ने गंगा में लाशें बहती देखी हैं, इसको देखते हुए एटलीस्ट जो जिंदा लोग हैं वो तो उनको वोट नहीं देंगे। मैं कहता हूँ, आज के दिन में जब कोरोना आया था तो एक दिन अखिलेश जी निकले थे अपने वोटर की सेवा करने। मैं कहते सबकी नहीं करते, तो किसी दिन निकले, उनके लोग निकले, एक को वीडियो दिखाएंगे कि एक को फोटो दिखाएंगे, तब तो रोग से डर के मारे घर में बैठ गए सारे लोग, तब तो नहीं आए थे। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था, महामारी थी, महामारी में कुछ भी हो सकता है, अव्यवस्था थोड़ी बहुत होती है ना, उसको देखकर कोई कहे तो गलत बात है। सर, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं नरेश टिकैत, उनसे मुलाकात की है सर, ये संजीव बालियान और यूनियन मिनिस्टर एक और है, मुलाकात को किस तरह से? हम कहते हैं कि सहयोग से बनता है, सभी नेता हैं, नेतृत्व करते हैं, इसलिए उनके सहयोग सब मिलता है। और जिस समाज का कमजोर, पिछली सरकारों ने सबको ठगा है, सबको अन्याय दिया, सभी तो छोटे छोटे नेता पैदा हुए हैं। अगर मोदी जी सबको जोड़ रहे हैं तो कौन सा गलत काम कर रहे हैं? ABP News आपको रखे आगे।